हेलो दोस्तों, रूपालीज किचन एंड क्रिएटिविटी आपका तहे दिल से फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बनाना फ्लावर वेजिटेबल, या उसे केयरफुल भी कहते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। पहले हम देखते हैं बनाना फ्लावर को क्लीन कैसे करना है। ये जो उसकी लाल पंखुड़िया है उसे हमें पहले निकाल के लेना है। देखिए, इस प्रकार से हमें इसे धीरे धीरे निकालना है। ये पंखुड़ियों को हमें फेंक देना है और इसके अंदर जो केले है, केले के फूल है, उसे हमें यूज़ करना है। उससे ही हमारी सब्ज़ी बनेगी। देखिए, ये केले के फूल है, इससे हमारी सब्ज़ी बनेगी। ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, छोटे छोटे केले के फूल। अभी जो लाल पंखुड़ियाँ थी उसके नीचे हमें इस प्रकार से सफ़ेद पंखुड़ियाँ मिलेगी, उसके अंदर भी केले के फूल रहेंगे, उसे भी हमें लेना है और पंखुड़ियों को फेंक देना है। देखिए, इसी प्रकार से सभी पंखुड़ियों को हम निकाल लेते हैं और उसमें से केले के फूल निकालेंगे। ये देखिए, उन्हें हमें अलग अलग करना है। ये देखिए, इस प्रकार से केले के फूलों को मैंने अलग अलग किया है, इससे हमारी सब्ज़ी मिलेगी। और जो ये बचा हुआ है इसे आप फेंक सकते हैं। अभी ये जो केले का फूल है उसमें से इसे इस प्रकार से खोलना है और ये जो सफ़ेद डंडी आपको दिख रही है उसे हमें फेंक देना है निकाल के। अभी ये जो सफ़ेद पर्दा है उसे भी हम फेंक देंगे। मैं और एक बार दिखाती हूँ। देखिए, इसे अभी हम इसे खोलते हैं। ये जो सफ़ेद डंडी है, ये देखिए, ये काफ़ी स्टिफ रहती है, और ये जो पर्दा है उसे हमने फेंक दिया। बाकी के फूल से हमारी सब्ज़ी बनेगी। इसी प्रकार से सभी केले के फूलों को हमें साफ़ करना है। हमारे केले के फूल अभी साफ़ होकर तैयार है। अभी हम उसे पानी से धो लेते हैं। लगभग दो बार हम इसे पानी से धो लेंगे। अभी पानी निचोड़ के हम इस पर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम इसे और एक बार धो लेंगे, इससे हमारी सब्ज़ी एकदम से साफ़ हो जाएगी। देखिए, हमारी सब्ज़ी अभी धो के तैयार है। हम इसे काट लेते हैं। इसी प्रकार से हमें इसे काटना है। पूरी सब्ज़ी को हम इसी प्रकार से काट लेंगे और फिर सब्ज़ी पकाने के लिए तैयार है। देखिए, ये कटी हुई सब्ज़ी है। मैंने आधा कटोरी नारियल लिया है, दो प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए। नहीं, मैंने तेल गरम किया है, उसमें मैंने थोड़ा हींग और जीरा डाला है। जीरा तड़कने के बाद मैं उसमें कटा हुआ प्याज डालूंगी। देखिए, प्याज का कलर हल्का भूरा होने तक हमें उसे अच्छे से भूनना है। देखिए, इस प्रकार से। अभी मैं इसमें नमक डालूंगी, अच्छे से भूनते हैं। दोस्तों, कोविड की केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो आप सभी अपने घर पे सुरक्षित रहिए और नई नई रेसिपी ट्राई कीजिए। देखती रहिए मेरा चैनल रूपालीज किचन एंड क्रिएटिविटी। दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसाले को अच्छे से भूनना ज़रूरी है, नहीं तो मसाला कच्चा रह जाएगा। अभी मैं इसमें एक चम्मच धना जीरा पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डालूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी एक चम्मच हल्दी पाउडर। ये सब्ज़ी अपने रेगुलर मसाले से बन जाती है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट बनती है। अभी कटी हुई सब्ज़ी को हम इसमें मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे कंटिन्यूस चलाना ज़रूरी है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगी। ये काफ़ी जल्दी पक जाती है। दो मिनट के लिए ढक के रखते हैं, फिर से चलाएंगे। ये देखिए, ये सब्ज़ी तैयार है। अभी जो हमारा नारियल है मैं इसमें डालूंगी। अगर आपको नारियल पसंद नहीं है और फिर हेल्थ इश्यू से नहीं खाना है तो आप ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन नारियल से सब्ज़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे ढक के रखते हैं। दो मिनट ढकने के बाद सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, बनाना फ्लावर सब्ज़ी, केलफूल की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। इसे हम बाउल में प्लेट कर लेते हैं।
रखिए। इसे आप रोटी के साथ या फिर भाकरी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए ये स्वादिष्ट सब्जी बिल्कुल तैयार है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। देखते ही रहिए कीप वॉचिंग फ्रेंड्स, रूपालीज किचन एंड क्रिएटिविटी। थैंक यू।